कुमार भामंडल के लिए 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी है। प्रभा देवी जैन सपरिवार सम्यक जैन अर्चना जैन चिरिमिरी निवासी, इन्होंने सोने के दो कड़े या सुवर्ण दान के रूप में दान दिया है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। आज यहाँ नन्नी देवरी से परम पूज्य निर्यापक श्रमण समता सागर जी मुनि महाराज, इनके गृहस्थ जीवन का परिवार नन्नी देवरी से राजाराम जी जैन पिताजी उनके हैं, वे भी आए और उनके बहन ब्रह्मचारिणी बबीता दीदी, वे आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। मुनि श्री स्वभाव सागर महाराज जी के गृहस्थ जीवन के भाई प्रकाश चंद जी जैन, ये भी आए हैं। नन्नी देवरी की समाज के यहाँ प्रतिनिधि आए हैं, उनकी भावना है पंच कल्याणिक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, वो निवेदन करने के लिए आचार्य के चरणों में आए हैं। उनके प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गोल्डी सिंगई कटनी निवासी मोनू जैन अशोक नगर, अखिलेश जी जैन सागर, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। बरेली में आरिका अनंतमती माता जी का सत्संग चौमासा चल रहा है, वहां से बरेली से भी जैन समाज आज यहाँ आई है। उनके अध्यक्ष गोपाल चचा, वे भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जो इतना धांधली कर रहे हैं ठीक नहीं है, एक दो समाज जो आई है, एक दो प्रतिनिधि आएंगे। जिन समाज को यहाँ नन्नी देवरी आदि बुलाए हैं बरेली वाले, एक दो लोग ही आएंगे, बाकी ज्यादा लोग कोई नहीं आएंगे। हाँ, डॉक्टर संदीप जी मास्ट हिंगोली, डॉक्टर ईशान डोडल हिंगोली, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। जयेश भाई जी जैन मुंबई, जयेश भाई जैन मुंबई सपरिवार, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। जयेश भाई जी इनके लड़का और लड़की दोनों भी ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के आचार्य के संकेत के अनुसार हथकरघा और प्रतिभा मंडल में कार्य करें। ऐसे जयेश भाई जी मुंबई, वे भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कौन बोल रहा है, नाम क्या? मुकेश जी जैन ढाना, आपने कुछ बात एक मिनट में रखेंगे, वे आए और अपनी बात रखें। बोलिए, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में विराजमान आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। देखो भैया, आचार्य भगवान बुंदेलखंड से थे आ गए, और इतने आने के बाद हमारे से बहुत दूर हो गए, लेकिन ये चीज की चिंता न करो, हम सबके दिल में विराजमान है आचार्य भगवान, जिनके चरणों में हम अनंत बार नमोस्तु करते हैं कि हे भगवान, आपकी महती कृपा से पूरे भारत वर्ष के लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और जहां जो बाधाएं हैं वो सारी समाप्त हो जाएं। आचार्य भगवान, हम सागर के भागोदय तीर्थ में जो सर्वतोभद्र जिनाला बन रहा है, उस मंदिर के निर्माण में आपके आशीर्वाद से बहुत तेज गति से काम चल रहा है। आसपास जहां जो कार्य चल रहे हैं, लोग यहां आ नहीं पा रहे, दूर है, लेकिन उसके बाद भी लोगों की इच्छा यह थी कि आचार्य भगवान का मंगल चातुर्मास 2022 में सागर का हो, लेकिन पुण्य अंतरिक्ष पारसनाथ का था। यहाँ पर भी आकर के हमको ये नहीं लग रहा है कि यहाँ बुंदेलखंड नहीं है। अगर गिनती कराओगे तो बुंदेलखंड के लोग ज्यादा हैं, इसलिए हमें ज्यादा चिंता नहीं करना है, और हम आप सभी की ओर से नमोस्तु निवेदन करते हैं, जो भी लोग हमारी आवाज सुन रहे हैं, कि हे भगवान, अगला मंगल चतुर्मास सागर में हो, ऐसी भावना बातें हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। एक सोने की अंगूठी किसी की आई है, नाम पता नहीं, कृपा करके वो नाम बताए। वंदना सुरेश किशोर कुमार काला तंची से अंगूठी। हाँ ठीक है, धन्यवाद। पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। आज पूरे पूजन के लिए सहारनपुर से श्रावक श्राविका आए हैं, मानवत और अंजनगांव सुरजी से आए, उनका भी स्वागत करते हैं और पूजन प्रारंभ करें। पूजन प्रारंभ करो।
बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। विद्यासागर नित नमो नित भी बारंबार, भव बंधन को हर सको पगरज को सिरदार, चतुर्थ काल का संयम गुरु ने कर्म नाश को धार लिया, इस युग के तुम महावीर हो बाल ऋषि का संग किया, धर्मामृत की धर्मधार को इस युग में युवा दिया, सतयुग गुरुवर विद्या सागर मेरे उर में वास किया। ओम ब्रह्म आचार्य विद्यासागर, ओम ब्रह्म परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिन्द्र अत्र उत्तर सवष्टिति आह्वाननम् अत्र तिष्ठतिष्ठोट स्थापनम् अत्रम् सन्निधोष्ठ स्थापनम् सनदीकरणम्। चलो सागर के अपार जल से पार उतरने आया हो, भक्ति भाव वैराग्य नीर को तुम चरणों में लाया हो, चरण शरण की नीर बिना में, चरण शरण की नीर बिना में तड़प रहा हूँ मीन सम। जय हो धन्य गुरुवर विद्या सागर, हो जुम जग में संत महान, धन्य गुरुवर विद्या सागर, हो तुम जग में संत महान। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिन्द्राय, जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। भवदावानल महाभयानक पीड़ित हो कर आया हो, हे गुरुवर भवताप मेटने चंदन भर कर, तुम बिन जीवन गुरुवर मेरा, तुम बिन जीवन गुरुवर मेरा बनाए कशमशान समार, परम गुरुवर विद्या सागर हो तुम जग में संत महान, परम गुरुवर विद्या सागर हो तुम जग में संत महान। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्या सागर जी महामुनिन्द्राय, संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। खंड के सुख मंडल में भूल गया था मैं निज को, अक्षय सुख पाने हेतु लाया अखंड तंदूल, अखंड व्रत को धारण करके अचल कंपित मेरु समान, परम गुरुवर विद्या सागर हो तुम जग में संत महान, परम गुरुवर विद्या सागर हो तुम जग में संत महान। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्या सागर जी महामुनिन्द्राय, अक्षय पद प्राप्तय अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। मधांध होकर मूढ़ बना मैं भव बंधन को बड़ा रहा, निज का सुंदर रूप जानने श्रद्धा सरोज चढ़ारा, अंदर बाहर सुंदर हो यथा जात हो रूप महान, परम गुरुवर विद्या सागर हो तुम जग में संत महान, परम गुरुवर विद्या सागर हो तुम जग में संत महान। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्या सागर जी महामुनिन्द्राय, कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। सुधा तुसा से ताड़ित हो मैं निज रस पानन कर पाया,
आत्म रस को पीने हेतु उत्तम व्यंजन ले आ। जय हो। हे गुरुवर तुम महावीर हो, षटरस कानन नाम निशान। धन्य गुरुवर विद्या सागर हो, तुम जग में संत महान। परम गुरुवर विद्या सागर हो, तुम जग में संत महान। ओम रूम परम पूज्य संत चरण्य आचार्य भगवान विद्या सागर जी महामनिंद्राय क्षुधारोग्य विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामति स्वाहा। मोहति मीर मे तन्मय होकर घूमराहु चरण बिना। चिन्मयता को पाने गुरुवर ले चेतन की ज्योति। हो ज्ञान दीप के पुंजनात हो, तुम चिन्मय के धनवान। परम गुरुवर विद्या सागर हो, तुम जग में संत महान। परम गुरुवर विद्या सागर हो, तुम जग में संत महान। ओम रूम परम पूज्य संत चरण्य आचार्य भगवान विद्या सागर जी महामनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामि स्वाहा। अष्ट कर्म की अग्नि में मैं अगणित आयु बिता दिया। दुष्ट कर्म के कष्ट नाश को धूप मुष्टि भर ले आया। तुम बल से ही भाग रहे हैं अष्ट कर्म के ये हो नान। परम गुरुवर विद्या सागर हो, तुम जग में संत महान। परम ओम रूम परम पूज्य संत चरण्य आचार्य भगवान विद्या सागर जी महामनिंद्राय अष्टक्रम दोनाय धूपम निर्वपामते स्वाहा। फल की इच्छा करते करते कुछ भी आत नहीं आया। इच्छा ज्वाला मेटने प्रभुवर तुम चरणों में फल लाया। सर्वोत्तम फल पाने वाले प्राणी मात्र के तुम हो प्राण। परम गुरुवर विद्या सागर हो, तुम जग में संत महान। जय हो। ओम रूम परम पूज्य संत चरण्य आचार्य भगवान विद्या सागर जी महामनिंद्राय महा मोक्ष फल प्राप्तिय फलम निर्वपामते स्वाहा। अनेक पद को पाकर भी मैं परमात्म को नहीं जाना। अर्घ्य समर्पित करके ही मैं अपने को भी पहचाना। परमोत्तम पद पाकर भी तुम लगा रहे हो आत्म ध्यान। बोलिए आचार्य संत शिरोमणि गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वा। जय मला म्हणा लवकर शेवटच्या चार लाईन। तुम्ही म्हणा नाही तर आम्ही म्हणतोय बघा इकडे। समकित परिवास सबको पार लगाने आए जो डूबे मझधार में। संग जैन जगत की गौरव धर्म कीर्ति यह स्तंभ है। बन कर के बुनियों के नायक बनक येसु सतपथ को और आरिका संग बना कर सबको आज कृतार्थ करो गुरु। सबको आज कृतार्थ करो गुरु। जय माला स्वीकार के सबको पार लगाने आए जो डूबे म
समझदार में श्री गुरुवर आचार श्री समक तपम परिवार के सबको पार लगाने आए जो डूबे मझदार के। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर स्वामी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अंडरिकी पितृप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामि ते स्वा नमस्तु भगवान नमस्तु भगवान नमस्तु ओम नमः शिवेभ्यः ओम नमः शिवेभ्यः ओम नमः शिवेभ्यः अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जोलो परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की। कई लोगों की यह शिकायत है, हम वैसे किसी की शिकायत करते नहीं, लेकिन फिर भी लोग हमारी शिकायत किए बिना जिससे आपको सुख मिले वो खूब किया करो, लेकिन शिकायत जो है सही होना चाहिए। अब सही और गलत महाराज आप जानो, हमारा ये कहना कि आप अपने लिए तो सब कर रहे हो और सुनते हैं आप स्वार्थ के कुछ भी बात नहीं करते, और स्वार्थ के अलावा और उसके आपके आवाज कुछ मिलता ही नहीं दिखता ही नहीं, रात दिन कर रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो बताओ। आप आत्मा की ध्यान करते हो ठीक है, ये एक जीव का कल्याण होगा, आप हमारा ध्यान क्यों नहीं करते बताओ, बड़ी शिकायत है ये। चूंकि हम आपके भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को अपनी चिंता ही नहीं, तो हमेशा हमेशा रात दिन आप पर में ही लगे हुए रहते हो। हमने सोचा कि इनका ध्यान तो कहीं न कहीं लग रहा है, लगने दो। वस्तुतः है मैं आपके बारे में सोचूं, स्वयं आप अपने बारे में क्यों नहीं सोचते। मन अपना पर के विषय में क्यों सोचता, ये हमारा विकल्प है। सब जगह यही शिकायत है, जो भी तीर्थंकर हो गए चले गए, उससे पहले 24 हो गए चले गए, ये तो क्रम रहा। किंतु आज भी वर्तमान में विदेह क्षेत्र में हमेशा हमेशा कम से कम 20 तीर्थंकरों का तो उपदेश प्रतिदिन होता रहता है। वहाँ के लोगों को भी आज टिकट नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे हैं? उस प्रकार के योग्य कार्य करे तो, लेकिन तीर्थंकरों के पास जाकर के भी पुनः घर लौटना होता है। यदि वहाँ पर समोचरण में सुख होता है तो उसको छोड़ने के लिए किसने कहा आपको? अब वहाँ से क्यों छोड़ कर के आए? कई बार मन में विचार आता है हमारे तीर्थंकर हमारे नहीं हैं, हमने माना है इसलिए हम उनको हमारे मानते हैं, हमारे नहीं
न ही तुम्हारे, किंतु वो किसके हैं? जो सहारा लेना चाहता है उसके हैं। आप लोग अभी संसार से हारे नहीं हैं, इसलिए सहारे उनका नहीं ले रहे थे। हम तो उन्हीं का सहारा लेना चाहते हैं महाराज, जो हारते नहीं कभी। ये तो हार गए, किससे हार गए? दुनिया से। दुनिया को छोड़ करके ये अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ध्यान रखो, वे पर के बारे में कह करके नहीं सोचते। जब यहाँ शांत हो जाता है, रात में तो और शांत हो जाता है, लवखा उल्ला कुछ भी नहीं होता, उस समय कीट पतंगों को लेकर के हम पूरी यात्रा सर्वसिद्धि के देवों तक की कर लेते हैं। इसको आचार्यों ने संस्थान विषय धर्म ध्यान कहा है। जीव मात्र का जो ध्यान रखते हैं, उन सब मार्गनाओं में गुणस्थानों में भरे हुए जीवों को वो देखते हैं, कर्मों का फल कैसा मिलता है। हम चाहें उसको रोक नहीं सकते। बंद के समय पर हम रोकथाम कर सकते हैं, किंतु उदय हुआ तो कोई भी रोकथाम नहीं हो सकता। एक बार विष से बचो, विष से बचो, विष से बचो कहा और स्वयं ही विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। ज्ञात तो हो गया कि इसमें विष मिला हुआ है, अब क्या करें? हाथ में था उसको भी समाप्त कर दिया, पटक दिया। मुंह में था उसको थूक लिया और सबको भी बता दिया, उल्टी करना चाहा उल्टी नहीं हो रही। अब कहाँ किसके पास जाए? महाराज के पास जाओ, सब हो जाएगा। संसार का नाम उल्टी से बचना चाहता है और वैद्य लोग उल्टी कराओ, विरेचन दे दो, नहीं समझे? कई प्रकार के विरेचन होते हैं। अज्ञान दशा में यदि आप लोगों ने सेवन कर दिया, किंतु ज्ञान दशा में उसके प्रति अरुचि होना चाहिए। अरुचि हुए बिना हाथ का पटक देते नहीं और मुंह में थूकते नहीं और पेट में गया तो उल्टी के लिए सोच रहे हैं। किसी भी प्रकार से उसके उल्टी होना चाहिए। यदि विषाक्त का सेवन हुआ है, उसको कैसे किया जा सकता? उसी के द्वारा उसका निवारण भी हो सकता है। आयुर्वेद की यही विशेषता है, कड़ी तुम्बी को किसी ने सेवन में ले आए, यानी उसका सेवन कर लिया विषाक्त और उल्टी हो रही है और दस्त लग रहे हैं, जीव मचल रहा है, रहा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, सुनाई नहीं जा रहा, सुनाए भर जाता है, क्या सुनाता है? बचाओ, बचाओ। ऐसा नहीं बचाओ, तुम उसको पचाओ, पचाओ, पचाओ। यदि सेवन किया है तो उसको पचाओ। कैसे नहीं होते? यदि आपके जठराग्नि तेज है तो उस विष को भी आप पचा सकते हो। अज्ञान दशा में हमने कर लिया, उसको पचाओ। उद्दीपन कीर्त करते हैं तो आयुर्वेद में एक सिद्धांत है,
अज्ञान से हमने किया हुआ माफ योग्य है, क्षम्य है, लेकिन ज्ञान दशा में जब तक वह रहेगा उसको बचाना ही चाहिए, बचाना नहीं चाहिए। अब कुछ भी मत डालो, ऐसा कर लो पेट के ऊपर तुम्बिका, उसको जला करके और उसके राख को मलो, मलते जाओ तो वह पूरा का पूरा पाउडर, वह चूरमा पूरा का पूरा पचा देता है। अब उल्टी भी बंद हो गई और सुलटी भी बंद हो गई, ये पलटन है। केवल आप अपने ध्यान के माध्यम से ही संसार बढ़ाते हो तो ध्यान के माध्यम से संसार का नाश भी होता है। तो तुम भी भीतर चली जाए तो विषाक्त तो हो जाता है, और तुम भी की राख पेट भर मरने से एक दो घंटे के भीतर उसका गुण आना प्रारंभ हो जाता। इसलिए हम आपका भी ध्यान करते, लेकिन हम आपको कह करके नहीं करते। एकेंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री देव दानव सभी आ गए, नारकी भी क्यों ना हो, वही अज्ञान दशा में किया होगा, लेकिन वही यहाँ से वहाँ से निकल करके यहाँ आएंगे तो उपदेश देने के लिए बैठ जाएंगे। उनके पास ये ताकत है, लगा दिया। इसलिए हमें हर चीज का सेवन यदि किया है अज्ञान के द्वारा, किंतु वही हम पचा भी सकते हैं, समय सार ग्रंथ में लिखा हुआ। जह विश्वम बुज्जन्तो नानी पुरुषो, ज्ञानी पुरुष विष का सेवन भी करता है, वेद्यो पुरुषो वेद्य लोग उसको औषध बना करके और आपको दिया जाता है, बताया नहीं जाता, नहीं तो पहले से आप उसको मना कर सके। धतूरा दिया जाता, धतूरा धतूरी के नाम से सब लोग ने कपने लग जाते, महान विषाक्त है, मारक तत्व है वो, हमें तो उभारने वाला चाहिए, हाँ उभरेगा, लेकिन उसको औषध के रूप विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण। इसलिए आप चिंता नहीं करो, बच्चे जैसे सो गए तो फिर भी माता पिताओं को उसका ख्याल रहता है और उसके योग्य कल के लिए वो सोचते रहते हैं। यह कल का सोचना और अतीत के कल को नहीं भूलना, जिसके द्वारा आज यहाँ पर तो आए हैं, लेकिन यहाँ से कहाँ जाना है, रास्ता यहीं से है। यहाँ से आप नीचे की ओर जा सकते हो, यहाँ से आप ऊपर भी जा सकते हो, यहाँ से आप आजू और बाजू भी जा सकते हो, जिसको तिर्यंच गति बोलते हैं, सर्वत्र विद्यमान है। फिर इसके उपरांत भी एक दिशा है, ऊपर जाकर के नीचे नहीं आना, और उस उपग्रह को कक्ष से बाहर प्रक्षिप्त करना, वह है मनुष्य जीवन के पास ही क्षमता। किंतु आप लोग दुनिया के कार्य में लग गए हो, बहुत अच्छा हुआ इस साल आप लोगों को आने में बहुत असुविधा हो रही है। महाराज बहुत दूर है, बहुत दूर है, वो कितना दूर है बताओ, एक समय में जाने की क्षमता है वहाँ तक, ऐसी गाड़ियाँ भी हमारे कंपनी में हैं। किंतु उस कंपनी को छोड़ना पड़ेगा,
हमेशा हमेशा के लिए, तब ये गाड़ियां मिल जाती। आप लोग कष्ट को एक प्रकार से हानिकारक मानते हैं, नहीं, हमारे यहाँ परिसेव और उपसर्गों में से ही गुजरता हुआ मोक्ष मार्ग होता है। इसलिए बहुत अच्छा हुआ आप लोगों को कम से कम हमारे निमित्त से क्षेत्र अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का दर्शन हो गया। जितना खर्च करके आए हो उसके अनंत गुना यहाँ से लेकर के जाओ। अहिंसा परमो धर्म की। जलो परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की।